हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजू स्क्वेड। आपका आपके चैनल एजू स्क्वेड में स्वागत है। आज हमारा 8th लेक्चर है। 7 लेक्चर पहले कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने वो देखे ठीक है, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उनको। इस सीरीज़ में हमने वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एंटोनियम साइनोनियम्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का लेक्चर। जो मैंने कल आपसे 7th लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने पूछा था आपसे बेकर्स डोजन, जो बेकर्स डोजन है उसका करेक्ट मीनिंग है 13 इन नंबर। अगर 12 पीस हैं किसी चीज़ में तो उसे हम बोलते हैं डोजन। अगर 13 है काउंटिंग में, टोटल पीस 13 हो गए तो उसे बोलेंगे हम बेकर्स डोजन। ओके, 12 पीस को सिंपल डोजन, अगर 13 पीस हैं तो उसे बोलेंगे बेकर्स डोजन। ओके, आइए आगे स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, पन सब का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आए थे टिटिलेट, TITILLA TE टिटिलेट। इसकी 4 ऑप्शंस हैं, बोर, एक्साइट, शाइन एंड सीड्यूस। टिटिलेट का जो करेक्ट मीनिंग है वो है टू स्टिमुलेट और एक्साइट, किसी को स्टिमुलेट करना और एक्साइट करना किसी भी वे से, उसे हम बोलेंगे टिटिलेट। जो फर्स्ट ऑप्शन है बोर, बोर का मीनिंग है टू इंस्पायर बोर्डम, बोर्डम को इनक्रीज करना, बोर्डम को इंस्पायर करना, सो वो क्या हो गया बोर। सेकेंड एक्साइट, एक्साइट होता है टू स्टर द इमोशंस, इमोशंस को एक्सेलरेट कर देना, इमोशंस को इंक्रीज कर देना, उसे हम बोलते हैं एक्साइट। किसी को एक्साइट कर देना मीन्स उसके इमोशंस को इंक्रीज कर देना, एक्सेलरेट कर देना। थर्ड है शाइन, शाइन होता है टू अमिट लाइट, ग्रो और एक्सेल। अगर कोई चीज़ शाइन कर रही है, हम बोलते हैं कोई चीज़ शाइन कर रही है मीन्स वो लाइट अमिट कर रही है, वो चीज़ चमक रही है, सो शाइन क्या हो गया टू अमिट लाइट, ग्रो और एक्सेल। फोर्थ है सीड्यूस, सीड्यूस का अट्रैक्ट टू बिगॉयल, किसी को अट्रैक्ट करना रॉन्ग वे में, उसे हम बोलते हैं सीड्यूस करना, सो सीड्यूस क्या हो गया अट्रैक्ट और टू बिगॉयल। सो स्टिटिलेट था टू स्टिमुलेट और एक्साइट, इसका अभी एंटोनिम क्या बनेगा, ऑपोजिट क्या बनेगा, बोर, टू इंस्पायर बोर्डम, सो फर्स्ट ऑप्शन इज आर राइट ऑप्शन। सेकेंड है सेडुलस, इसकी सेम वही 4 ऑप्शंस, नॉन चैलेंट, केयरफुल, पेन स्टेकिंग एंड स्ट्रिक्ट। सेडुलस का जो मीनिंग है वो क्या है, एसिडोस, कॉन्स्टेंट एंड स्टडी, जो ग्रो तो कर रहा हो लेकिन एक कॉन्स्टेंट पेस से, विद अ जीरो एक्सेलरेशन, विद अ कॉन्स्टेंट विलॉसिटी, उसे हम बोलेंगे सेडुलस। इसकी फर्स्ट ऑप्शन नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट है कूल, ईजी गोइंग, काम और रिलैक्स्ड, जो कूल हो, काम हो, रिलैक्स्ड हो, रुक गया अभी, रिलैक्स कर रहा है वो, चल नहीं रहा, ईजी गोइंग, कभी चल रहा है कभी फिर रुक गया, कोई मतलब टेंशन नहीं उसे, उसे हम बोलते हैं नॉन चैलेंट। सेकेंड है केयरफुल, केयरफुल होता है फुल ऑफ केयर और एनजाइटी, जिसको चिंता रहती हो हर पल, उसे हम बोलेंगे केयरफुल। सेकेंड है पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग मीन है केयरफुली अटेंटिव टू डिटेल्स, जो डिटेल्स को अच्छे से जानने की इच्छा रखे, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुने, उसे हम बोलते हैं पेन स्टेकिंग। फोर्थ है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट है एक्यूरेट, स्ट्रेंड एंड टाइट, जो एक्यूरेट हो बिल्कुल उसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट है वो। सो सेडुलस था कांस्टेंट पेस पे चलने वाला, स्टडी पेस पे चलने वाला, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एंटोनियम क्या बनेगा, जो रुक गया, रिलैक्स हो गया, सो नॉन चैलेंट इज आर राइट ऑप्शन। ओके, सेडुलस नॉन चैलेंट। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स में जो फर्स्ट है वो क्वैश, QUASH, इसकी सेम वही 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट एंड स्लैश। क्वैश का मीनिंग हो गया कैंसिल, किसी को कैंसिल आउट कर देना, मना कर देना, उसे हम बोलते हैं क्वैश। फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो गया डाउट, क्वेरी, किसी को कोई डाउट हो, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो हमसे क्वेश्चंस पूछेगा, सो क्वेश्चन क्या हो गया डाउट और क्वेरी। सेकंड प्लेज, प्लेज आपको पता है स्टूडेंट, जैसे मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके बाद एक प्लेज होती है, अंडरटेकिंग ली जाती है हमारे से, सो सॉल्म प्रॉमिस और अंडरटेकिंग को हम बोलते हैं प्लेज। थर्ड है रिजेक्ट, रिफ्यूज टू एग्री, डिसमिस, किसी को डिसमिस कर देना, किसी के साथ एग्री ना होना, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, सो रिफ्यूज़ टू एग्री, प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देना, तो हम बोलते हैं प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सो रिजेक्ट क्या हो गया रिफ्यूज़ टू एग्री एंड डिसमिस। फोर्थ है स्लैश, स्लैश होता है हमारा क्रिटिसाइज सेवरली, किसी को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, रिड्यूज़ अ प्राइस, जब प्राइस कम होते हैं तो हम बोलते हैं कि प्राइस स्लैश हो गए, स्लैश कर गए। थर्ड है स्वीपिंग मोमेंट, स्वीपिंग मोमेंट में जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच लगा लो, उसमें अगर कोई टीम 5-0 से सीरीज़ को जीत गई तो हम बोलेंगे कि सीरीज़ को स्वीप कर दिया, सीरीज़ को
स्लैश कर दिया। सो स्लैश क्या हो गया, स्वीपिंग मोमेंट रिड्यूस द प्राइस एंड क्रिटिसाइज सेवरली। सो अभी जो न्यू वर्ड्स हैं उसमें टोटली हम अभी साइनोनिम्स देख रहे हैं। सो क्वैश कैंसिल, इसका साइनोनिम क्या बनेगा, रिफ्यूज़ टू एग्री एंड डिसमिस। सो रिजेक्ट और क्वैश क्या हो गए, दोनों साइनोनिम हो गए। उसके बाद सेकेंड है मेटिकुलस, मेटिकुलस की सेम वही फोर ऑप्शंस, करेक्ट, क्लीन, मेथोडिकल, पेन स्टिकिंग। मेटिकुलस का जो मीनिंग है वो है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो काफ़ी केयरफुल हो और प्रिसाइज हो, प्रिसाइज जिसमें एरर के चांसेस काफ़ी कम हो, उसे हम बोलते हैं मेटिकुलस। इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट, करेक्ट का मीनिंग है फ्री फ्रॉम एरर्स, जिसमें एरर ना हो उसे हम बोलेंगे करेक्ट। सेकेंड है क्लीन, क्लीन है फ्री फ्रॉम डर्ट, नॉट येट मार्क्ड, जिस पे कोई डर्ट ना हो, कोई गंदगी ना हो और अभी उस पे एक भी मार्क ना लगा हो, नॉट येट मार्क्ड, उसे हम बोलेंगे क्लीन। थर्ड है मेथोडिकल, मेथोडिकल में सिस्टमेटिक इन थॉट और बिहेवियर, जो अच्छे से सोचे, बिहेवियर में सिस्टमेटिक हो, सिस्टमेटिकल रूल्स के साथ चले, उसे हम बोलेंगे मेथोडिकल। फोर्थ है पेन स्टेकिंग, एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थॉरोनेस, जो पूरे ध्यान से काम करे उसे बोलते हैं पेन स्टेकिंग। सो पेन स्टेकिंग साइनोनिम हो गया मेटिकुलस का, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, पेन स्टेकिंग, एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थॉरोनेस। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो फर्स्ट है वो है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, जब वाइफ के साथ किसी का डाइवोर्स होता है तो उसको मनी पे करनी होती है अपनी वाइफ को, अलाउंस फिक्स्ड किया जाता है जो मंथली ईयरली अपनी वाइफ को देगा सर्वाइव करने के लिए उसको, सो उसे हम बोलते हैं एलिमनी, ALIMONY। सो अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ इज़ एलिमनी। सेकेंड है स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज एज पीपल, किसी को कोई स्टोरी सुनाओ और उसमें जो मेन आइडिया था, मेन फैक्ट था उसका, उसको सिम्बलाइज किया एज पीपल, उसे हम बोलेंगे एलिग्री। स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज एज पीपल, एलिग्री, ALLEGORY। सो एलिग्री फर्स्ट था, अलाउंस्ड फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, उसे बोलते थे हम एलिमनी। सेकंड था स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज एज पीपल, उसे हम बोलते हैं एलिग्री। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज, उसमें फर्स्ट है जिसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये हमारा सेवन्थ लेक्चर का क्वेश्चन था, बेकर्स डोजन, वो था 13 इन नंबर। सेकेंड है जो आज हम करेंगे वो है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश था टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, इसका मीनिंग है घुमा फिरा कर बात करना, गोल मोल बात कर देना, जो मेन फैक्ट है उसको ना बताकर बाकी की सब बात बता देना, वो होता है बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना। थर्ड है हमारा बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल आपके लिए, आप इसको ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, आप उसको कमेंट में लिख सकते हो, अगर ना हो तो हमारा जो कल का लेक्चर है 9th, उसे आप देखना, उसकी स्टार्टिंग में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बता दूंगा बैक एंड कॉल का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, फॉर आवर लेटेस्ट लेक्चर्स। अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।